सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हुआ और ये मंदिर कचाकच भरा हुआ था, मतलब श्रद्धा देखो। और गाइस हम लोग के ग्रुप में सबसे ज्यादा जिम का जरूरत इसको है, जरा इनका पेट पेट दिखाना नहीं चाहता बट अच्छा दिखाना नहीं चाहता बाकी आप लोग। हाँ दीपांशु क्या बोलोगे? ये देखो राजाओं का महल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हम लोग हॉस्टल के इतने बड़े मुसीबत से बाहर निकल के आज जारिस में आए हैं और यहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे भोजन का सेवन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दोस्त दीपांशु सिंह। दीपांशु से है तो एक बार कैमरा मुझे भी दिखा दीजिए। और अभी फूड ऑर्डर हो चुका है, देखते हैं इंतजार करते हैं क्या आता है, कैसा टेस्ट रहता है, क्वालिटी क्या है, सब बताएंगे धीरे धीरे। और ये कॉलेज के बगल में जारिस है, इसका रिव्यू भी आज हम लोग दे देंगे। यहाँ का खाना कैसा है, क्या सब कुछ है, तो सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। यही वो कारण जिसके कारण हम लोग हर बार आते हैं। ये कॉलेज के साइड वाला जारविस है, तो बाहर से हम लोकेशन का डाल देंगे, वो आप लोग देख लेना। काफी सही है यहाँ से। और दीपांशु क्या बोलेगा? आते रहिए, खाते रहिए और मजे लेते रहिए। फॉरन की ये बटर चिकन कैसा है? ये बटर चिकन काफ़ी डिसेंट सा है, बाकी जगहों के कंपेयर में थोड़ा सा सही है, बट ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, एकदम नॉर्मल सा है, सही है। मतलब आ सकते हैं आप लोग, डिसअपॉइंट नहीं हो? आ सकते हैं, है ना। हाँ दीपांशु क्या बोलोगे? चलो फनी सीन होना चाहिए ना। जीरा राइस रख दीजिए भैया। अगली चीज़ दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये देखो तीखा के कारण इसके ना इतना सारा पानी है जितना इस बोतल में पानी नहीं है भाई। मानना पड़ेगा, लेकिन तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया बता, क्या कुछ अंदर से कैसा लग रहा है? बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। आज का तीखा कल सुबह में ये पता चल जाएगा इसको तीखा था कि नहीं था। तो बस तैयार करते हैं कल सुबह का दोस्त। बहुत स्पाइसी है, सुबह बताते हैं आपको, सुबह रिव्यू देते हैं आपको, देते हैं रिव्यू देंगे। संगीत जीरा राइस कैसा है? जीरा राइस में राइस कम जीरा ज़्यादा है, जीरा राइस विद कम जीरा, बट ये मेरा स्पेशल है जीरा राइस विद कम जीरा। जब भी आता है ये जीरा राइस ऑर्डर करता है, इसका फेवरेट है ना, विद कम जीरा। अच्छा सबसे बेस्ट भाई चिली चिकन होता है। क्या है सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट चिली चिकन, चिली चिकन। अच्छा बटर चिकन भी सही है। सो फाइनली गाइज हम लोग का डिनर देखो पूरा डन हो चुका है, सब कुछ देखो खत्म है। तो रिव्यू कैसा था गाइज? तो मेरा 10 अबाउट बात करें तो आउट ऑफ 10 में 8 हम दे सकते हैं। अंकित तुम्हारा क्या? मेरा भी सेम रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी था, 8.5 उससे आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत था इसे बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसे पहले ले लेते हैं क्या बोल। अगर यहाँ का डिनर मतलब यहाँ का जो सब जितना चीज़ है ना अच्छा ही रहता है। 8.5 और ड्राई चिली चिकन को 10 आउट ऑफ 10 है। और कुछ बोलो यहाँ के बारे में, जैसे बहुत मस्त है, आप लोग और एक बार ट्राई करो। माहौल बहुत शांत है, एसी है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है साला, यहाँ स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जहाँ पे आया हूँ खा रहा हूँ बता रहा हूँ, अगले जगह जाएंगे और कहीं जाएंगे वहाँ के बारे में बताएंगे। तो जारविस वालों ने हम लोग कोई पैसा नहीं दिया ये बोलने के लिए, बस हम लोग को अच्छा लगा तो बोल दिया, मतलब यहाँ हमारा पर्सनल है। हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग हमेशा ट्राई कर सकते हैं, जैसे तंदूरी हो गया, चिकन का आइटम अच्छा रहता है, चिकन चिली हो गया, तो ये सब आइटम हमेशा अच्छा रहता है। चीज़ मिलता है जैसे यहाँ पे क्विल है या फिर स्क्विड, ये सब भी मिलता है, लगभग सारे वैरायटीज हैं। ये देख सकते हो सामने, ये है अब पीछे गाइस इसका, रुको इसका प्रिंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, रुकते सामने देखो इसका वॉल पे देखो, ये देखो काफ़ी अच्छा वॉल बना के रखा है इन्होंने। ये देखो ये लग रहा है ये स्टारबर्ग का कॉपी, आप लोग देखे होंगे, ये देखो ये जारविस कॉपी है देख रहे हो, और सामने में देखो ये सब मिल जाता है यहाँ पर, ये जापानी स्कूल, ये मिल जाता है, तो ये सब देखो सामने। तो देखो हम लोग का पूरा अभी डन हो चुका है, तो अब हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, अभी कोल्ड ड्रिंक पी के बाहर चलते हैं।
बाहर चल के उसके बाद आप लोग उसे आराम करते हैं। तो ये जारविस के शेफ बहुत अच्छा बनाते हैं, भैया का हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है ना भैया। आज भैया का बस ऑफ है, मिलते हैं भैया फिर कभी, ठीक है गुड नाइट भैया। चलो हम लोग का अभी हो चुका है डिनर, तो अब हॉस्टल की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में मिलते हैं आप लोगों से। तो अब खाने के बाद काफी बहुत ही मजा आ रहा है, उन्हें बोल बोल। खाने के बाद बहुत रिग्रेट हो रहा है क्योंकि हमें कल से जिम करना था और यहाँ पे खा लिया है एकदम कस के मतलब, और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल, कह नहीं सकते हैं। अब जाके कल से एक अच्छा डाइट फॉलो होगा, रिप्लेसमेंट था, एग्जाम खत्म हो गया, ये लास्ट था और हम घर पे भी नहीं गए हैं, तो आज मजे करेंगे और रात का अगर कुछ अगर शूट करेंगे तो देखते हैं, अगर कुछ ऐसा सीन बनता है तो दिखाते हैं रात का भी, या तो इस वीडियो में डाल देंगे या उसका नेक्स्ट एपिसोड कुछ बना, वही वही जरूर नेक्स्ट डाल देंगे। और गाइस हम लोग के ग्रुप में सबसे ज्यादा जिम का जरूरत इसको है, जरा इनका पेट पेट दिखाना नहीं चाहता, बट अच्छा दिखाना नहीं चाहता, बाकी आप लोग समझ। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग हॉस्टल पहुंच चुके हैं ना, ये देखो प्रिंस हॉस्टल का गेट है, तीनों हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। अंकल कैसे हैं? हेलो अंकल, ठीक है? ये हमारे अंकल हैं, अब जा रहा हूं, हाय कर दो पहले अंकल। देख बढ़िया चीज बता रहे हैं, पूरे सेमेस्टर में ये मंदिर खाली था, सेमेस्टर का एग्जाम स्टार्ट हुआ और ये मंदिर कचा कच भरा हुआ था, मतलब कचा कच। श्रद्धा देखो भाई, हाँ मतलब सही बोल रहा है भाई, एग्जाम के टाइम ना एग्जाम के टाइम वहाँ पे सब एक मिनट रुक के जाता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम भगवान पे सबका खुल जाता है। अब मैं भी एग्जाम के दिनों ज्यादा स्टेटस लगाने लगता हूँ, सब कोई सही है, थोड़ा कुछ नहीं आता विधाता बचाता सही है भाई। और कहीं अभी हॉस्टल हम लोग का पूरा खाली हो चुका है, बहुत कम बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ ही एक के दुख के आपको दिख रहे होंगे। फाइनली हम अपने ब्लॉक पहुँच गए, प्रिंस हॉस्टल का ए ब्लॉक वाला ब्लॉक, ए ब्लॉक जो देखते ही लगता है कि महल आ गया। ये देखो राजाओं का महल। अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, तो अभी हम लोग स्टेयर के माध्यम से थर्ड फ्लोर जा रहे हैं और एकदम भाई पूरा हालत खराब हो गया, एकदम चल रहा है, देखो ये नहीं चल पा रहा, अभी भी हमें दो फ्लोर जाना है। फाइनली बस अब एक स्टेयर और बाकी है, उसके बाद चले जाएंगे और रूम आ जाएगा हमारा। तो थर्ड फ्लोर से क्या व्यू आता है ये देखो सामने, देख लो गाइस, देखो फाइनली अभी थर्ड फ्लोर पे आ चुका, मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे, ये रूम देखो दीपांशु का है और अंकित का है। न्यू कंटेंट के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं, कंटेंट आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो, आपका मन हो तो बता सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, है ना। मिलते हैं फिर ऐसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।